नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता फिरता हूँ। होली के मौके पर केजरीवाल की गिरफ्तारी और इलेक्टोरल बॉन्ड सुर्खियों में है। दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुर्खियों से गायब हो गया, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी और इलेक्टोरल बॉन्ड के सिरे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो भी ईडी के दस्तावेजों के हवाले से। ईडी के गवाह बने पी शरद चंद्र रेड्डी के बयानों और कारनामों से, जिसकी बिना पर केजरीवाल को जेल हुई है। शरद चंद्र रेड्डी ने कैसे रंग बदला और क्या है रेड्डी का शराब घोटाले और इलेक्टोरल बॉन्ड से कनेक्शन, आइए आपको बता दें। नाम पी शरद चंद्र रेड्डी, पद एक्स डायरेक्टर अरबिंदो फार्मा, करंट स्टेटस ईडी के सरकारी गवाह। सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई, और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी को लेकर पी शरद चंद्र रेड्डी के बयान को अहम कड़ी माना जा रहा है। रेड्डी को कभी ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। ईडी की तरफ से कहा गया था कि रेड्डी उस साउथ कार्टेल का अहम हिस्सा है जिसने आम आदमी पार्टी को शराब नीति की एवज में 100 करोड़ दिलवाए। रेड्डी के साथ फिर क्या हुआ, देखिए। 10 नवंबर 2022 को पी शरद चंद्र रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया। 9 मई 2023 को रेड्डी को मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद 1 जून 2023 को रेड्डी ईडी का सरकारी गवाह बन गया। 10 नवंबर को जब रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया, तब वे अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर थे। ईडी के मुताबिक रेड्डी ने केजरीवाल के करीबी विजय नायर से संपर्क साधा और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ दिलवाए। गिरफ्तारी के वक्त रेड्डी ईडी के इन दलीलों का विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें जमानत मिली और वे सरकारी गवाह बने, उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ सबूत और बयान सब कुछ ईडी को सौंप दिया। ये तो हुई शरद चंद्र रेड्डी के पलटने की बात, लेकिन आखिर इसका इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया तो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए, और अब चुनाव आयोग से जो डेटा आया है उसके मुताबिक रेड्डी की अरबिंदो फार्मा ने 3 अप्रैल 2021 और 8 नवंबर 2023 के बीच 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। रेड्डी की गिरफ्तारी से पहले और उसके बाद इस कंपनी ने बीजेपी को 34 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए। इसमें से 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद और उनके सरकारी गवाह बन जाने के बाद दिए गए। ये जानकारी भी सामने आई है कि अरबिंदो फार्मा से जुड़ी दो और कंपनियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को दिए। इनमें दूसरी कंपनी है एपीएल हेल्थकेयर लिमिटेड। इस कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और ये सभी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए। बीजेपी ने ये बॉन्ड 17 नवंबर 2023 को भुना दिए। कुल मिलाकर इन तीन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को 59 करोड़ 5 लाख रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। आम आदमी पार्टी इसी को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यही शराब घोटाले का असली मनी ट्रेल है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 59 करोड़ 5 लाख रुपए का चंदा बीजेपी को दिया गया, वही शराब घोटाले का पैसा है। अब इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जेल होनी चाहिए। चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा, आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी उसने
4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो नई अबकारी नीति बनाई थी उसमें पी शरद चंद्र रेड्डी की पुरानी कंपनी अरबिंदो फार्मा भी लाभार्थी थी। दिल्ली में नई अबकारी पॉलिसी के तहत अरबिंदो फार्मा के मालिक शरद चंद्र रेड्डी को शराब बेचने के लिए कुछ जोन मिले। दिलचस्प यह है कि जब 9 नवंबर 2022 को उनसे पहली बार इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ना अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए हैं, ना विजय नायर को, ना किसी और आप नेता को। उन्हें अगले ही दिन यानी कि 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ महीने बाद ही रेड्डी पलट गए, उन्हें जमानत मिली तो वे सरकारी गवाह बने और केजरीवाल के खिलाफ बयान देने लगे। केजरीवाल के शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद दोनों तरफ से बयानों और तर्कों के तीर चल रहे हैं। बीजेपी शराब घोटाले की मनी ट्रेल पूछ रही है तो आम आदमी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली मनी ट्रेल दिखा रही है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आंकड़ों से ये सामने आ गया है कि रेड्डी की कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए चंदे में दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल की जमानत पर अगली सुनवाई के दौरान ये मिसिंग लिंक्स भी जोड़े जाते हैं, क्या इन पर भी कोर्ट में चर्चा होती है, क्या इससे ईडी का केस कमजोर पड़ेगा। इस बारे में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।